गुड मॉर्निंग बच्चों, नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं नितिन श्रीवास्तव आपका स्वागत करता हूं आपके चैनल यूनिक ऑनलाइन गुरु पर। और आज आपके लिए मैं लेकर आया हूं, आप देख रहे हैं, एक बड़ा ही रोचक विषय पाइथन का, जिसका नाम है लिस्ट। मैंने बहुत सारे वीडियोस आपके लिए अलग अलग विषयों के बना के रखे हुए हैं और आप तक पहुंचे भी होंगे, तो उम्मीद करता हूं उन वीडियोस से आपको निश्चित तौर पे फायदा हो रहा होगा बच्चों। तो आज उसी क्रम में, उसी सीरीज के क्रम में मैं बना रहा हूं आपके लिए एक वीडियो जिसका नाम है पाइथन लिस्ट। तो ये लिस्ट क्या है, कैसा डेटा टाइप है पाइथन का, आइए स्टार्ट करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले ये जो आपकी लिस्ट है, इट इज एन, ये आपका है क्या, एग्जाम्पल ऑफ सीक्वेंस। अगर आपसे कोई पूछेगा कि बताइए लिस्ट क्या है, तो लिस्ट एग्जाम्पल होता है सीक्वेंस का। सीक्वेंस पाइथन का एक प्रकार का अपना डेटा टाइप है, जो कि कलेक्शन होता है किसका, ऑर्डर्ड एलिमेंट्स का, और उसी ऑर्डर्ड एलिमेंट का कलेक्शन कहलाता है लिस्ट। आप कह सकते हैं कि लिस्ट इज मोस्ट वर्सेटाइल डेटा टाइप इन पाइथन। सबसे ज्यादा कह सकते हैं वर्सेटाइल का मतलब ऑलराउंडर, उपयोगी, आप कह लीजिए सबसे ज्यादा अगर उपयोगी कोई डेटा टाइप है तो वो क्या है, तुम्हारा लिस्ट है। देखिए लिस्ट एक ऐसा डेटा टाइप है जिसमें आप कलेक्शन ऑफ आइटम्स को स्टोर कर सकते हैं। आप लिस्ट में लिस्ट इज कलेक्शन ऑफ, आप इसमें होमोजेनियस और आप इसमें बच्चों हेट्रोजेनियस दोनों टाइप के आइटम्स का कलेक्शन स्टोर कर सकते हैं। जहां होमोजेनियस का मतलब क्या होता है बच्चों, कि सेट ऑफ सिमिलर आइटम्स, जैसे इंटीजर हैं तो सारे इंटीजर्स होंगे। आपका हेट्रोजेनियस का मतलब क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल टुगेदर। तो लिस्ट एक ऐसा डेटा टाइप है जो सबसे ज्यादा पॉपुलर, सबसे ज्यादा वर्सेटाइल, सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला। और एक चीज मैं बता दूं कि अगर आपको कलेक्शन ऑफ डेटा, अब वो डेटा कुछ भी हो, अगर आपको उसके ऊपर बच्चों प्रोसेसिंग करनी है पाइथन में, तो बेस्ट एग्जाम्पल है कि आप यूज कीजिए किसका, लिस्ट का। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि सिर्फ आप लिस्ट का यूज कीजिए, वो इसलिए कह रहा हूं कि और जितने एग्जाम्पल्स हैं आपके सीक्वेंस के, और जितने तरीके हैं आपके सीक्वेंस के, जैसे स्ट्रिंग भी एग्जाम्पल है आपके सीक्वेंस का, टपल्स भी एग्जाम्पल है आपके सीक्वेंस का, आप उनमें भी आइटम्स को स्टोर कर सकते हैं। लेकिन हर पर्टिकुलर की एक अपनी लिमिटेशन है, एक अपनी प्रॉब्लम है, एक अपनी कह सकते हैं सीमाएं हैं। लेकिन लिस्ट के साथ ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। अगर मैं कहूं कि लिस्ट इज मोस्ट फ्लेक्सिबल, मैं मोस्ट फ्लेक्सिबल का मतलब लचीला, क्यों, क्योंकि आप नंबर वन, यू कैन ग्रो या श्रिंक, आप लिस्ट को बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। यू कैन इंसर्ट ऑब्लिक रिमूव एलिमेंट्स, आप लिस्ट में आइटम्स को इंसर्ट भी कर सकते हो और आइटम्स को बच्चों रिमूव भी कर सकते हो। यानी पहला पॉइंट, आप बढ़ा घटा लो साइज को, आइटम को इंसर्ट या डिलीट कर लो। तीसरा, और क्या कर सकते हो,
आप सॉर्ट कर सकते हैं लिस्ट को, आप रिवर्स कर सकते हैं लिस्ट को, माने जितनी भी चीजें लिस्ट में, आइटम को आप सर्च भी कर सकते हैं, मॉडिफाई भी कर सकते हैं, है ना, डिलीट भी कर सकते हैं, यानी कुछ भी जो आप सोचें कि जिनकी हमें जरूरत पड़ेगी वो सब कुछ आप कर सकते हैं, किस पर, लिस्ट पर। इसीलिए मैं कह रहा हूं बार बार कि लिस्ट जो है आपका वो मोस्ट वर्सेटाइल डेटा टाइप है, मोस्ट यूजफुल डेटा टाइप है, या मोस्ट पॉपुलर डेटा टाइप है। जितने शब्द कहूं मैं लिस्ट के लिए कम है। तो पाइथन का लिस्ट प्रोग्रामर्स का पसंदीदा क्या है, डेटा टाइप होता है, एग्जाम्पल है ये सीक्वेंस का, जो हर तरीके से आपकी जरूरतों को पूरा करता है। आप देख लीजिए, मैंने बताने की यही कोशिश की कि लिस्ट पे आप कुछ भी कर सकते हैं, जो आप सोचें वो सब कुछ अलाउड है, जबकि बाकी वो अदर डेटा टाइप्स पर बहुत कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, बहुत कुछ सीमाएं हैं, बहुत कुछ लिमिटेशंस हैं। तो उम्मीद करता हूं कि लिस्ट क्या है, लिस्ट कैसा डेटा टाइप है, सीक्वेंस डेटा टाइप है, मोस्ट वर्सेटाइल डेटा टाइप है, मोस्ट यूजफुल डेटा टाइप है। इसमें आप सिमिलर आइटम भी स्टोर कर सकते हैं, डिससिमिलर आइटम भी स्टोर कर सकते हैं, हर तरीके के आइटम्स को आप इसमें स्टोर कर सकते हैं। लिस्ट को घटाया बढ़ाया जा सकता है, आइटम्स को रिमूव या इंसर्ट किया जा सकता है, सॉर्ट किया जा सकता है, मॉडिफाई, अल्टर, जो आप सोच लीजिए सब किया जा सकता है। तो कुल मिला जुला के संक्षेप में, लिस्ट इज द मोस्ट यूजफुल डेटा टाइप अवेलेबल इन पाइथन। अच्छा, अब इसके बाद थोड़ा सा ये देखा जाए कि लिस्ट को आप क्रिएट कैसे करेंगे, हाउ टू क्रिएट लिस्ट, कैसे हम बच्चों लिस्ट का निर्माण करेंगे या लिस्ट को बनाएंगे, हाउ टू क्रिएट। तो देखिए कुछ एग्जांपल्स मैं आपके लिए बना रहा हूं। L बराबर 1, 2, 3, 4, एक एग्जांपल। L1 बराबर 1, 2, 3.0, 6, 7.4, L3 बराबर 1, 2, Ram, Shyam, 3.2 वगैरह। L4 बराबर 2, 6, True, False। मैं वेरिएशन आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, दिख रहा है आपको। L5 बराबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये देखिए। L6 बराबर, देखिए ये सारे आपके एग्जांपल हैं किसके, ये ऑल दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ लिस्ट। इसमें हो क्या रहा है, पहले में देखिए, जब मैंने यल बनाया तो ये कलेक्शन है किसका, आईएनटी यानी इंटीजर्स का। इसमें हमने क्या किया, कलेक्शन बनाया इंटीजर प्लस फ्लोट का। इस लिस्ट में आप देखो यहां पर क्या है, इंटीजर भी है, फ्लोट भी है, प्लस एसटीआर अर्थात स्ट्रिंग भी है। इसमें आप देखिए इंटीजर है प्लस बूल है, यानी बूलियन डेटा टाइप, प्लस आपकी स्ट्रिंग है। अर्थात आप देखिए कि लिस्ट में आप हर प्रकार के आइटम्स को क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं, स्टोर करके रख सकते हैं। और लिस्ट को पाइथन में डिनोट कैसे करते हैं, तो ये आप देख लीजिए स्क्वायर ब्रैकेट से, स्क्वायर ब्रैकेट से हम लोग यूज करते हैं किसका, डिनोट करते हैं किसको, बनाते हैं किसको, लिस्ट को बनाते हैं। तो कितने तरीके हैं लिस्ट को क्रिएट करने के, आपके सामने दिख रहा है। पहला, लिस्ट ऑफ इंटीजर, लिस्ट ऑफ इंटीजर प्लस फ्लोट,
लिस्ट ऑफ इंटीजर फ्लोट एंड स्ट्रिंग, लिस्ट ऑफ इंटीजर बुलियन एंड स्ट्रिंग, मतलब डिफरेंट एग्जांपल्स। ये देखिए यहां पर क्या है, यहां पर ये एग्जांपल है नेस्टेड लिस्ट का। क्यों इसको मैं नेस्टेड लिस्ट का एग्जांपल कह रहा हूं, वो इसलिए कह रहा हूं कि यहां पर एक लिस्ट है और लिस्ट के अंदर देखिए एक दूसरी सब लिस्ट बनी है। ये जो दूसरी अंदर वाली लिस्ट है ये नेस्टिंग हो गई लिस्ट के अंदर लिस्ट, और सबसे लास्ट में L6 बराबर सिर्फ ब्रैकेट डाल के बंद कर दिया, छोड़ दिया, इसको हम कहते हैं एम्प्टी। मतलब लिस्ट तो बनी है लेकिन उसमें कोई वैल्यू बच्चों आपकी स्टोर नहीं है। तो देखिए ये तरीके आपको मैंने आपको समझाने की कोशिश की। और लिस्ट होता क्या है, लिस्ट इज द ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ आइटम्स। लिस्ट आपका ऑर्डर्ड कलेक्शन होता है किसका, आइटम्स। ऑर्डर्ड माने जिसमें आइटम्स का एक सीक्वेंस होता है, आइटम्स का एक क्रम होता है। ऑर्डर्ड कलेक्शन होगा किसका, तुम्हारे आइटम्स का। अब जैसे सपोज कीजिए कि आपने कोई लिस्ट बनाई L बराबर 6, 3, 1, 5, मान लीजिए 7। तो यहां पर आपकी क्या है, एक लिस्ट बन गई है, नाम है उसका L। कितने आइटम है, 1, 2, 3, मान लीजिए 4। इंडेक्स क्या होगा, 0, 1, 2, 3, 4, 6, 3, 1, 5, 7, -1, -2, -3, -4 और -5। यहां देखिए आपके सामने मैंने बनाया हुआ है एक लिस्ट, मैंने क्रिएट की कुछ आइटम्स की, ऑलमोस्ट 5 आइटम्स की। अब आप देखिए मेमोरी पर पाइथन उसको मैनेज कैसे कर रहा है। अगर आप देखेंगे तो पाइथन में डबल इंडेक्सिंग सिस्टम है। ये देख लीजिए, यहां पर ये वाला कौन सा है, इसको कहेंगे पॉजिटिव इंडेक्स, और ये जो ऊपर वाला है इसको हम क्या कहेंगे, निगेटिव इंडेक्स। एक पॉजिटिव और दूसरा कौन सा, निगेटिव इंडेक्स। जहां पर पॉजिटिव इंडेक्स जो है वो आपका लेफ्ट टू राइट वैल्यूज को एक्सेस करने के लिए मेनली बनाया गया, और जो निगेटिव इंडेक्स है वो राइट टू किधर है, लेफ्ट करने के लिए बनाया गया। लेकिन तरीका दोनों का एक है, पर्पस दोनों का एक है, उद्देश्य दोनों का एक है। तो आप देखिए कैसे आइटम को आप एक्सेस करेंगे। यहां पे अगर मैं समझाने की कोशिश करूं, एग्जांपल्स देखिएगा, अगर मैंने लिखा L ऑफ 0 तो आंसर क्या देगा, L ऑफ 0 की वैल्यू कितनी है, 6 आएगा। और इसी तरह से अगर मैं लिख दूं L ऑफ इधर से -5 तो बच्चों उसका भी वैल्यू कितना आएगा, 6 ही आएगा। दोनों केस में आपको क्या है, आपके दोनों के दोनों केस में रिजल्ट रिमेन्स कॉन्स्टेंट, रिजल्ट रिमेन्स सेम। यही कमाल है किसका, यही कमाल है आपके पाइथन में इंडेक्स का, यही कमाल है पाइथन में लिस्ट के इंडेक्सिंग सिस्टम का, कि यहां ड्यूल इंडेक्स सिस्टम चलता है, पॉजिटिव और कौन सा, निगेटिव इंडेक्स सिस्टम। पॉजिटिव में आप लेफ्ट टू राइट रीड करते हैं, निगेटिव में आप राइट टू लेफ्ट रीड करते हैं। तो ये आपका जनरल या बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट लिस्ट है कि लिस्ट क्या होता है। पाइथन में लिस्ट इज द मोस्ट वर्सेटाइल डेटा टाइप, जिसकी मदद से हम इंफॉर्मेशन को अरेंज कर सकते हैं, व्यवस्थित कर सकते हैं मेमोरी पर, और अरेंज और व्यवस्थित करने के साथ हम उस पर कितने भी प्रकार के ऑपरेशंस को बच्चों परफॉर्म कर सकते हैं। लिस्ट में किसी तरह की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बनाने के बाद आपको मालूम होगा कि लिस्ट आपका, लिस्ट इज म्यूटेबल ऑब्जेक्ट। ये म्यूटेबल ऑब्जेक्ट बहुत कम है पाइथन में, ज्यादातर इम्यूटेबल है। म्यूटेबल का मतलब यही है
कि परिवर्तनीय कि अर्थात बनने के पश्चात आप लिस्ट के आइटम्स को अल्टर कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो बच्चों, उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो और इसमें बताई गई सारी जानकारियां समझ में आई होंगी, और मैं लगातार आपके लिए कुछ छोटे छोटे वीडियोस बना रहा हूं इन्हीं वजह से, ताकि आपको बेसिक जानकारियां मैं दे सकूं, आपको पता लग सके कि पाइथन में ये छोटे छोटे जानकारियां हैं क्या। यदि आपको पूरा कोर्स, पूरा पाइथन एक साथ पढ़ने की इच्छा है या आपको आवश्यकता है बच्चों, तो आपको करना कुछ नहीं है, बस हमारे यूनिक ग्रुप के ऐप पे आइए, उसको डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से, और वहाँ पर बैचेज आपको मिलेंगे जहाँ पर जाकर आप कंप्लीट कोर्स को बच्चों ज्वाइन कर सकते हैं। फिर आपकी पाइथन चाहे ओ लेवल कोर्स में हो, ए लेवल में हो, या कहीं अदर पर्पस के लिए आप लर्न करने के लिए भी सीखना चाहते हैं या अपनी जानकारी वर्धन करने के लिए भी सीखना चाहते हैं तो सीख सकते हैं। तो इस उम्मीद के साथ कि आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा, इसमें जानकारियाँ आपको अच्छी लगी होंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो निश्चित तौर पर इसको लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो इसी उम्मीद के साथ बच्चों, अब मैं विदा लेता हूँ, फिर नए वीडियोस बनाऊँगा और आपके पास तक लेके आऊँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार, गुड बाय।